रहीम स्टार्ट करते हैं कैडजन चैप्टर 15 की पार्ट 4 की वीडियो को। इस पार्ट में हम लोग थायज़ाइड डायुरेटिक्स डिस्कस करेंगे। थायज़ाइड डायुरेटिक्स डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं, तो हम थोड़ा सा नेफ्रॉन के पार्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे आते हैं हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल जो कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनता है, फिर आगे ईफरेंट आर्टरियोल से ब्लड निकल जाता है। ये आ गया बोमेंस कैप्सूल, अब नेफ्रॉन के पार्ट्स बोमेंस कैप्सूल, फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है लूप ऑफ हेनले जिसमें ये होगा डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और फिर थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर अगर डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल है सारा, डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक को हम कहते हैं अर्ली डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल और बाकी को हम कहते हैं लेट डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल। और फिर आगे आगे हमारे पास कुलेक्टेंट डक्ट, कुलेक्टेंट डक्ट को भी कॉर्टिकल कुलेक्टेंट डक्ट और मेडुलरी कुलेक्टेंट डक्ट कह सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली थायज़ाइड डायुरेटिक्स एक्ट कर रहे होते हैं हमारे पास अर्ली डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो अर्ली डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल का ये एक पोर्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस पोर्शन को मैंने बेसिकली मैग्नीफाई करके यहाँ पे शो कर दिया आपके पास। तो ये जैसा लुमेन था तो ये आ गया लुमेन हमारे पास अंदर, फिर ये सेल्स शो कर दिए और ये बाहर की तरफ ब्लड होता है, तो ये सारी साइड ब्लड या आपके लिए रीनल इंटरस्टीशियम हो गया। ओके, उसके बाद इसी तरह के डायग्राम बुक में भी है जिसमें ये आ गया लुमेन सेल ब्लड, लुमेन सेल ब्लड। सही, उसके बाद अब कौन सा यहाँ पे अहम ट्रांसपोर्टर है, बेसिकली लूप डायग्रेटिक से थोड़ा से मिलते जुलते होते हैं ये। लूप डायग्रेटिक के अंदर आपको याद होगा एक चैनल था जो कि लुमेन से सोडियम को, पोटेशियम को और दो क्लोराइड को एब्जॉर्ब करवा रहा था, यानी दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव आयंस को रीअब्जॉर्ब करवा रहा था। ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब करवा रहा है। तो बेसिकली एक सोडियम जो कि पॉजिटिव होता है उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है और एक नेगेटिव क्लोराइड होता है उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो ये हमारे पास चैनल एक मौजूद है। उसके अलावा जो इंजन होता है जो तकरीबन हर सेल में पाया जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज का, जो कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है, पोटेशियम को सेल के अंदर ला रहा होता है, वो इंजन यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। थायज़ाइड डायुरेटिक्स क्या करेंगे, थायज़ाइड डायुरेटिक्स इस चैनल को इनहिबिट कर देंगे जिसकी वजह से डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट हो जाएगी। यानी कि यहाँ से लुमेन के सोडियम ने जो अंदर जाना था वो अब अंदर नहीं जा पाएगा, सोडियम ज्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो ज्यादा सोडियम यूरिन के अंदर रह जाएगा, सोडियम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। आमतौर पे इस सारे पोर्शन को हम असेंडिंग थिक असेंडिंग लिंब को भी और अर्ली डिस्टल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल को भी, इस सारे को हम क्या कहते हैं डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ यूरिन, क्योंकि इन सारे पोर्शन में आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं और यूरिन डाइल्यूट हो जाता है। जब वजह सोल्यूट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, तो ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट होता है। जब हमने इसको इनहिबिट कर दिया इसका मतलब है ज्यादा डाइल्यूशन ऑफ यूरिन नहीं हो पाएगी, ठीक है, थोड़ा बहुत कंसेंट्रेटेड यूरिन निकल रहा है। तो मेनली ये सोडियम को निकालने में रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, लूप डायुरेटिक्स ने ना सिर्फ अब देखो सोडियम जब निकलता है लुमेन में तो वो सोडियम कुछ ना कुछ कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और आपको पता है कि जब एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होती है कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने के बदले क्या करते हैं जी, सोडियम को रिजॉर्व करते हैं, पोटेशियम को निकाल देते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। मैंने पार्ट सी की वीडियो में कहा भी था कि इस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल से दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, तो मैं ब्रीफ से बता रहा हूँ आपको कि सोडियम जब यहाँ पे सोडियम के बावजूद इनहिबिट हुई तो कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, पोटेशियम निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, जिसकी वजह से पोटेशियम की कमी हो जाएगी और एसिड की कमी हो जाएगी। हम कहते हैं हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है, ठीक है, तो ये भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कॉज करवा रहे हैं। लेकिन अभी सोचने की बात ये है कि सोडियम के लॉस, ज्यादातर सोडियम का लॉस करवा रहा है यूरिन में, ठीक है, ऑल्दो थोड़ा बहुत सोडियम कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्ब तो होगा लेकिन उसके बावजूद सोडियम का लॉस काफी करवा रहे हैं। सही, हमने कहा था लूप डायुरेटिक्स आर वेरी पावरफुल डायुरेटिक्स, क्यों कहा था हमने, क्योंकि यहां पे जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होनी थी उस सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन से आपको याद होगा इस इंटरस्टीशियम की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होनी थी, ठीक है, और जो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो होती है यहाँ पे। तो जब ये वाला सोडियम की इनहिबिट हुआ था उसकी वजह से ये जगह बहुत कंसेंट्रेटेड नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ हो पाया था, जिसकी वजह से वाटर का लॉस ज्यादा हो गया, ठीक। अब थायज़ाइड डायुरेटिक्स इस तरह से तो इंटरस्टीशियम की ऑस्मोलैरिटी को तो चेंज कर नहीं पाते, तो ये सोडियम का लॉस काफी करवाते हैं, वाटर का लॉस उतना ज्यादा नहीं करवा पाते। सही, करवाते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं करवा पाते। तो अब देखो बॉडी में सोडियम बहुत निकल रहा है, वाटर उतना नहीं निकल रहा, वाटर रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है, तो हुआ क्या कि बॉडी में पानी काफी है, सोडियम कम हो जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट हम कहते हैं कि ये कॉज करवाता है हाइपोनैट्रीमिया। सही, उसके बाद ऑल्दो सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन को कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ने भी इनहिबिट किया था, सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन को इसने भी इनहिबिट किया था, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा हाइपोनैट्रीमिया कौन करवाता जी, थायज़ाइड डायुरेटिक्स। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी तक हमने मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कैसे कॉज करता है ये भी डिस्कस कर लिया, हाइपोनैट्रीमिया कैसे कॉज करता है ये भी डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कैल्शियम में क्या इफेक्ट आता है। पहले लूप डायुरेटिक्स में कैल्शियम का इफेक्ट हमने कहा था कि होता आमतौर पर नॉर्मली क्या हो रहा था,
ये सारे रीअब्सॉर्ब हो रहे थे, थोड़ा बहुत पोटेशियम वापस लीक कर गया था, जिसकी वजह से ल्यूमिन में पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया था। इस पॉजिटिव पोटेंशियल ने कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिपेल किया था, कैल्शियम मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन करवाई थी। जब ये सब कुछ इनहिबिट होता है तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, कैल्शियम वेस्ट हो गया था। तो लूप डायुरेटिक्स में कैल्शियम वेस्ट हो गया था, कैल्शियम की एक्सक्रीशन हो गई थी। ऐसे ही है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाने वाली इधर एक चैनल मौजूद है जो कि कैल्शियम को अंदर लेके जा रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब करवा रहा है। और जारी बात है ऐवे तो ये ना कैल्शियम चला जाएगा, या कोई एनर्जी चाहिए होगी या कोई चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं चाचा जी, आपको पता है हर ऐसे काम पे चाचा जी आ जाते हैं। तो ये सोडियम मोहतरम कहता है कि यार चलो ऐसा करो, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम एक्सचेंज के तौर पर तुम भाग ले जाओ, तो वेरी गुड होगी बात। तो यहाँ पे एक एक्सचेंजर होता है जो कि सोडियम को अंदर लेके जाता है और कैल्शियम को बाहर, या आप कह सकते हो सोडियम को सेल में ला रहा है और कैल्शियम को ब्लड में ले जा रहा है। ओके ओके बात। अब हुआ क्या, अच्छा जब ये कैल्शियम यहाँ से यहाँ निकली जाएगा तो जारी सी बात है लुमे में से भी तो कैल्शियम ले जाना ना, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल सा ट्रांसपोर्टर मौजूद है जो कि कैल्शियम को यहाँ पे ले आएगा। तो ये तो बात सिंपल हो गई। जब हमने दे दिया थायजाइड डायूरेटिक, इसको कर दिया इनहिबिट, जब ये हो गया इनहिबिट तो सेल के अंदर होना शुरू हो जाएगी सोडियम की कमी। क्यों जी? क्योंकि ये जो इंजन है ये सेल में सोडियम निकाली जा रहा है, ठीक है, इंजन सेल में सोडियम को निकाल रहा है और जो सोडियम आ रहा था उसको हमने रोक दिया, तो जारी बात है सेल के अंदर सोडियम की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर सोडियम कहेगा मैंने सेल के अंदर जाना है, और जब सेल के अंदर जाएगा तो कैल्शियम ब्लड में चला जाएगा। सही, तो थायजाइड डायूरेटिक की वजह से ज्यादा सोडियम ब्लड से आता है, एज अ रिजल्ट ज्यादा कैल्शियम ब्लड में चला जाता है। सही की बात, सोडियम ब्लड से आ गया, कैल्शियम ब्लड में चला गया, तो थायजाइड डायूरेटिक की वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हैज इंक्रीज्ड। सही की बात, लूप डायूरेटिक ने कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट किया था, इसने कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात, ये तो बात आपको समझ में आ गई होप सो। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, आपने हार्मोन का नाम सुना होगा पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, ये बेसिकली पोटेशियम को निकालता है, कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ऐसे ही है ना। पैराथायराइड हार्मोन का जब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे ना, जो मैंने पार्ट वन की वीडियो में डिस्कस किया भी था, तो पैराथायराइड हार्मोन भी डिस्टर्ब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इसी चैनल के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, इस चैनल को प्रमोट करता है ताकि ज्यादा ज्यादा कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन हो सके। ये वैसे एक एडिशनल बात मैंने आपको बता दी है, वरना जेब ये रखना था कि लूप डायुरेटिक्स की वजह, सॉरी थायजाइड डायुरेटिक्स की वजह से कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाती है, आप कह सकते हैं हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। सही होगी बात, अच्छा याद रखना सिर्फ हाइपो ए की चीज करवा रहा है, हाइपोनेट्रीमिया करवा रहा है, बाकी सब कुछ हाइपर ही करवाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कुछ ये हाइपर करवा रहा है। ऑलराइट जी, थायराइड डायूरेटिक्स के बारे में ये वाली बात डिस्कस हो गई, डायल्यूशनल हाइपरट्री में कैसे करवाया है। अच्छा एक और बात को यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये थायराइड डायूरेटिक्स जो होते हैं ये हम लोग हाइपरटेंशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन एक हद तक ये काम करेगा। देखो हुआ क्या, बेसिकली थायराइड डायूरेटिक दिया, सोडियम का लॉस हुआ, वाटर का लॉस हुआ, कुछ ना कुछ तो वाटर का लॉस होगा ना, ऐसी अब आप इतना अंडरमाइन ना करो इसको, वाटर का लॉस हुआ, जब वाटर का लॉस होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। सही होगी बात, समझ लो इतना ब्लड का प्रेशर था, ये हो गया प्रेशर और ये हो गया ब्लड का वॉल्यूम, ठीक है, मजीद हम थायराइड डायूरेटिक देते गए, वॉल्यूम और कम हो गया जी, और नीचे आ गया, इसकी वजह से प्रेशर भी और कम हो गया, और नीचे आ गया, सोडियम भी कम हो जा रहा है, ठीक है, मजीद हम डायूरेटिक देते गए, वॉल्यूम और कम हो गया, सोडियम और कम हो गया, लेकिन जब सोडियम इतना कम हो जाता है ना तो एक्टिवेट हो जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अगर बताते ना वो जो रैस होता है, इस रैस का काम क्या होता है, बेसिकली सोडियम को मेंटेन करना, और भी काम होते हैं वैसे हाइपोवोलेमिया, लेकिन सोडियम को मेनली काम करा होता है। तो जब थायराइड डायूरेटिक वॉल्यूम कम करी जा रहा है, सोडियम कम करी जा रहा है, तो रैस एक्टिवेट हो जाएगा और ये रैस ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो ये प्रेशर को मेंटेन करेगा, ये कहेगा प्रेशर मजीद कम नहीं होने देना मैंने ऐसी की तैसी, तुमने मजाक ही बना लिया यार, तुम थायराइड दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। तो हुआ क्या, थायराइड दिए, वॉल्यूम डायूरेसिस हुआ और प्रेशर कम हुआ, मजीद डायूरेसिस हुआ, मजीद प्रेशर कम हुआ, मजीद डायूरेसिस हुआ, लेकिन अब प्रेशर और कम नहीं हुआ। सही की बात, तो वो कह रहे हैं ये प्रेशर का इफेक्ट है और ये डायलिसिस का इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट इतनी डोज से भी मैक्सिमम आता है और डायलिसिस का इफेक्ट मैक्सिमम प्रेशर इफेक्ट मैक्सिमम डायलिसिस इफेक्ट, मैक्सिमम प्रेशर इफेक्ट के लिए दो डोज देनी पड़ी और मैक्सिमम वॉल्यूम इफेक्ट के लिए तीन डोज देनी पड़ी, ठीक है, ये दो और तीन में सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। कहने का मकसद, अब मैं ये लाइन पढ़ देता हूँ आपको, थाज ऑल्सो रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, प्रेशर को कम तो किया इसने, एंड द मैक्सिमल प्रेशर लोअरिंग, अच्छा मैक्सिमल प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट अकर्स एट डोजेस लोअर देन द मैक्सिमल डायूरेटिक डोजेस, ठीक है, मैक्सिमल डायूरेसिस के लिए तीन डोज चाहिए थी, लेकिन मैक्सिमम प्रेशर लोअरिंग दो डोज ही होता है, आप मजीद डोज दोगे तो डायूरेसिस तो होगा लेकिन प्रेशर में कमी नहीं आएगी। सही की बात, तो ये आप इसको बॉडी का कंपनसेटरी रिस्पॉन्स भी कहते हो, बॉडी के कंपनसेटरी रिस्पॉन्स की वजह से मैक्सिमम प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट बस इतनी डोज से ही होता है, मजीद डोज से प्रेशर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, हाँ मजीद डोज से वॉल्यूम पे इफेक्ट जरूर पड़ सकता है। ओके ओके बात, तो ये एक लाइन समझाने के लिए थोड़ी हमारी बात लंबी चौड़ी हो गई। अच्छा जी,
अब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि लूप डायुरेटिक जो थे वो बहुत इफेक्टिव थे वाटर को वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है उन्होंने यहाँ पे ऑस्मोलरिटी को इफेक्ट कर दिया था वाटर को, तो वो बहुत इफेक्टिवली वेस्ट करते थे। और थायज़ाइड डायुरेटिक जो है वो सोडियम को बहुत इफेक्टिवली वेस्ट करते हैं, सही हो गया बात। तो अगर हम लूप डायुरेटिक और थायज़ाइड डायुरेटिक को मिला के दे दें, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट इनका बहुत ही अच्छा होता है, अगर दोनों मिला के दे दोगे तो फिर वाटर सोडियम बहुत तेजी से बॉडी से निकलेगा, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट अच्छा इफेक्ट हो जाता है इनका। तो बेसिकली साइनर्जिस्टिक इफेक्ट भी काम है, यानी बहुत काम के भी होते हैं। और जब हम टॉक्सिसिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि अगर लूप को इसको मिला के दे दिया तो ज़रा ख्याल रखना, बहुत तेज़ी से बंदे का वॉल्यूम कम होगा, बहुत तेज़ी से सोडियम निकलेगा, तो ये ना बंदा डिहाइड्रेशन से ही मर जाए। आप तो खुश हो रहे हो डायरिया हो गया पहले सूझा पड़ा था और जरा सूख के मर गया। एनीवेज आज जो क्लिनिकल यूज़ की तरफ, नंबर एक हाइपरटेंशन, तो कुछ ना कुछ तो ये निकाल ही रहा है, मैंने बताया ना प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट कुछ ना कुछ तो है इसका, और बहुत ज़्यादा प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट नहीं था। बहुत ज़्यादा किसका होता है? लूप डायुरेटिक का। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में लूप डायुरेटिक देते हैं या सुवेयर हाइपरटेंशन में लूप डायुरेटिक देते हैं, लेकिन वैसे आप थायज़ाइड डायुरेटिक को हाइपरटेंशन में कॉमनली यूज़ कर रहे होते हो। थायज़ाइड डायुरेटिक की अगर हम क्लिनिकल यूज़ को डिस्कस कर ही रहे हैं तो थोड़ा फार्माकोलॉजी को मैं आपको बता दूं, तो जाने वाली इसमें नाम कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड आ गया, उसके अलावा क्लोरोथायज़ाइड। क्लोरोथायज़ाइड की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है और क्लोरोथायज़ाइड पारेंटरली यूज़ किया जा सकता है, यानी कि टीके वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मल थायज़ाइड है यानी कि हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड, इन नॉर्मल थायज़ाइड्स को हम यूजुअली ओरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओरल ड्रग के तौर पर यूज़ हो जाता है, और इसकी हाफ लाइफ होती है 6 to 12 hours। ओके ओके बात, अलबत्त मैंने आपको बताया क्लोरोथायज़ाइड की हाफ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, क्लिनिकल यूज़ में हाइपरटेंशन हो गया, कुछ ना कुछ एडिमाटिस कंडीशन में भी, एडिमा में भी, ऑल्दो दोबारा वही बात है लूप ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एडिमा के लिए, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ इफेक्टिव है एडिमा के लिए। और चूंकि आपको याद होगा हाइपरकैल्सीमिया करवा रहा था, क्योंकि क्यों जी हाइपरकैल्सीमिया क्यों करवा रहा था, क्योंकि कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा रहा था, तो बॉडी में तो कैल्शियम बढ़ गया लेकिन दूसरी तरफ यूरिन के अंदर कैल्शियम को कम भी तो करते हैं ना ये, तो अगर यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से रीनल कैल्शियम स्टोन्स बन रहे हों, तो जब यूरिन में बहुत कैल्शियम होगा तो किडनी में स्टोन्स बन सकते हैं, तो हम थायज़ाइड को स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए देखते हैं, क्योंकि हमें पता है थायज़ाइड डायुरेटिक हमेशा कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा लेते हैं, ठीक हो गया बात। तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने की वजह से ये किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अब आ गया बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल, बड़ा ही अजीब सा पॉइंट, वो क्या, थायज़ाइड डायुरेटिक्स आर यूज्ड इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। आप कहेंगे भाई डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत डायल्यूट यूरिन बन रहा होता है, और मतलब यूरिन बनी जा रहा होता है, बॉडी एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स में वाटर की ऑप्शन थी ना ये नहीं हो पा रही होती, निकली जा रहा है यूरिन, निकली जा रहा है, ये बीमारी है, उसमें हम देने थायज़ाइड डायुरेटिक्स। डायुरेटिक है ना आखिरकार, ये तो और यूरिन को बढ़ाएगा, तो ये क्या बात हुई। तो बेसिकली थायज़ाइड डायुरेटिक इसलिए देते हैं क्योंकि ये सोडियम को बहुत निकालता है। आप कहेंगे ये तो अजीब बोंगी मारी है, सोडियम को ज़्यादा निकालता है तो वाटर भी तो निकलेगा ना यार, फर्क क्या पड़ा? देखो जी फर्क तो पड़ेगा, फर्क कैसे पड़ना है, बीमारी ऐसी हो गई है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के जितना वाटर आता है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में हम वाटर को रीअब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि एडीएच का इफेक्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहे, जितना वाटर आ रहा निकल रहा है, तो हम कह रहे हैं यार कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ कि वाटर आए ही थोड़ा, नेफ्रॉन में वाटर आए ही कम, उसके लिए हम देते हैं थायज़ाइड डायुरेटिक। कैसे जी, क्या करेगा थायज़ाइड डायुरेटिक? इंसान की बॉडी के अंदर सोडियम को कम कर देगा हाइपोनेट्री में, जारी पता है सोडियम को लॉस करवाता है ना ये, ठीक है, सोडियम को कम कर देगा। जब सोडियम कम होगा तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, सही है, और ये ब्लड भी गुजर रहा होता है, ठीक है, और ये ब्लड आगे जाता है आपके पास किडनीज में भी जाता है, सही। अब जब इसके अंदर सोडियम की कमी हो गई तो क्या हुआ, बहुत ही लो कंसनट्रेशन हो गई आपके ब्लड की। जब ब्लड की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी सोडियम की कमी की वजह से, तो वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टूवर्ड्स हाई कंसनट्रेशन, ठीक है, वाटर आपका चला जाएगा सेल्स के अंदर, चला गया H2O अंदर चला गया, क्या हुआ, ब्लड का वॉल्यूम बहुत कम हो गया। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो किडनीज के पास थोड़ा ब्लड आएगा, जब किडनीज के पास थोड़ा ब्लड आएगा तो यहाँ पे थोड़ा वाटर फिल्टर आउट होगा, वाटर ही थोड़ा आएगा, जारी बात है वेस्ट भी कम ही होगा। हम कह रहे हैं यार वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा ना, खैर ऐसा करते हैं वाटर भेजते ही कम है, सही होगी बात। तो अब एक दफा मैं इसको एक और तरीके से जरा रिवाइज कर देता हूँ, नॉर्मली डायबिटीज इंसिपिडस में हो क्या रहा था, सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाता था लेकिन वाटर ज़ाया। जब सोडियम रीअब्सॉर्ब होता था तो ब्लड में आता था सोडियम, ठीक है, सोडियम कहता था यार देखो मैं सोल्यूट हूँ, अच्छा नहीं लगता कि सोल्यूट के पास सॉल्वेंट ना हो, तो सेल्स कहते थे ओहो अच्छा चलो सोल्यूट हो, ब्लड बहुत कंसनट्रेटेड हो गया, जाहिर बात है जब पानी निकल जाएगा ब्लड में से तो ब्लड तो कंसनट्रेटेड होगा, तो क्या होता था सेल में से पानी निकल के आ जाएगा था यहाँ पे, वो पानी दोबारा किडनी में ज़ाया हो जाता था,
सोडियम मोहतरम फिर रीअब्सॉर्ब हो गए और फिर रहता था सोडियम। अच्छा यार वो सॉरी मैं पानी फिर मेरे से निकल गया, लास्ट टाइम मुझे पानी दे दो। सेल्फ दे चलो ठीक है यार, सेल्स मजीद पानी निकालते थे सोडियम मोहतरम वो पानी को लेकर जा रहे हैं, जाकर लो जी पानी दोबारा ज़ाया हो गया सोडियम मोहतरम वापस। हम कहते हैं यार ये सोडियम मोहतरम को भी ज़ाया कर दो, तो थायज़ाइड डायूरेटिक सोडियम मोहतरम को भी ज़ाया कर देते हैं, जिसकी वजह से अगली दफ़ा ब्लड होता ही बड़ा डायल्यूट है। ठीक है, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को हमने इस तरह ट्रीट किया कि हमने कहा वाटर तो निकल ही रहा है, साथ सोडियम को भी निकाल दो ताकि ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो जाए, किडनी के पास जाएगी थोड़ा ब्लड। सही, तो ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में हम थायज़ाइड डायूरेटिक्स को यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास चार क्लिनिकल यूज, हाइपरटेंशन, एडिमेटस कंडीशंस, किडनी स्टोन्स और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ये चार पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। उसके अलावा पोटेशियम वेस्टिंग करवा रहा है, हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक करवा रहा है, ये टॉक्सिसिटी तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कुछ और टॉक्सिसिटी डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन कौन सी है, मैंने कहा था हाइपर करवा रहा था, कुछ हाइपर कैल्सीमिया भी करवाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया भी करवाता है, क्योंकि थायराइड डायूरेटिक जो होता है ना वो थोड़ा बहुत इंसुलिन के इफेक्ट को कम करता है, तो इंसुलिन का काम था ब्लड ग्लूकोज को कम करना, या जब थायराइड ने इंसुलिन को फारिग करा दिया तो ब्लड ग्लूकोज कम नहीं हो पाएगी, ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगी, तो हाइपरग्लाइसीमिया भी करवाता है। उसके अलावा यूरेट की अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हाइपर यूरीमिया भी हो जाता है, या आपके लिए यूरिक एसिड लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, इसी तरह से लिपिड लेवल्स जो है वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। यहाँ पे लिखा है उन्होंने लिपिड लेवल्स आर ऑल्सो इंक्रीज, सही होगी बात। तो ये जो थायराइड डायबिटिक होते हैं ये सिर्फ हाइपोनेट्रीमिया करवाते हैं, बाकी सब कुछ हाइपर करवा रहे हैं। मैं एक दफा आपको देख रहा हूँ, हाँ जी, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर यूरिसीमिया और हाइपर कैल्सीमिया, ये चारों काम इसने हाइपर करवा दिए। ओके ओके बात। और उसके अलावा आखिरी जो इसकी टॉक्सिटी है वो सल्फा एलर्जी, मैंने आपको बताया था लूप डायबिटिक में सारे सल्फोनामाइड डेरिवेटिव थे, इससे सल्फा एलर्जी कॉज करवा रहे थे एक्सेप्ट फॉर एथाक्रैनिक एसिड, और इसी तरह से थायराइड डायबिटिक भी सल्फा एलर्जी कॉज करवा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बातें कंप्लीट होती हैं, सल्फा एलर्जी हो गई, कॉम्बिनेशन की, अच्छा वही उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन जो बड़ा खतरनाक भी होता है, पहले कहा था कॉम्बिनेशन बड़ा फायदे का हो सकता है, फिर वो कह रहे हैं जारी बताया अगर एक फायदे की इसको आप एक्सेसिव यूज करोगे तो बड़ा खतरनाक भी होता है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।